हटाने के नाम पर गरीबों के साथ जहां पूरी जोर जबरदस्ती की जा रही है, वहीं बड़े बड़े लोगों को पूरी छूट दे रखी है कि वो उन सरकारी जमीनों के ऊपर और फॉरेस्ट की जमीनों के ऊपर बने रहें और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब पैंथर्स पार्टी ने इस बात का विरोध किया कि गरीबों के ऊपर ही ये जुल्म क्यों हो रहा है और ये बड़े बड़े सियासतदान जो मंत्री विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आज कुछ नाम जो है वो छापे गए हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के और पीडीपी के लोग हैं, लेकिन बीजेपी के जो घोटालेबाज हैं, जो मंत्रियों ने करोड़ों और अरबों रुपए की जमीनें हड़प की हुई हैं, जो इनके बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में घपले किए हुए हैं, सरकारी और फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, आर्मी की लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, उनके ना तो नाम जारी छाया किए जा रहे हैं और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। ये आरटीआई में एक खुलासा हुआ है जिसमें बीजेपी के रामनगर का जो एमएलए है, जिसका नाम मैं लेता नहीं हूं वैसे यूजुअली, लेकिन आरएस पठानिया है उसका नाम, उसने 32 कनाल और 9 मरले जगह जो है घेरी है, जिसमें 9 कनाल और 14 मरले रोशनी के तहत उसने गैर कानूनी तरीके जिसको डिक्लेयर किया गया है वो दबाई हुई है, और 22 कनाल 15 मरले जगह सरकारी जमीन भी उसके साथ घेर ली है, और जिन लोगों ने एनसी के या पीडीपी के या कांग्रेस के 3-3 कनाल घेरी है उनके नाम आगे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन जिसने 32 कनाल जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है एमएलए ने, उसका कहीं नाम नहीं आया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी तरीके से बीजेपी के दूसरे मंत्री हैं निर्मल सिंह ने तो खुलेआम आर्मी की जमीन अमुनिशन डिपो के पास, जहां आर्मी ने कहा कि यह गैर कानूनी है, पूरे मुल्क के अंदर एक बवाल खड़ा हो गया, लेकिन निर्मल सिंह को पूछने वाला कोई नहीं है क्योंकि वह बीजेपी का मंत्री रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है। गंगा ने जिस तरीके से गैर कानूनी कब्जे किए और पिछले ही दिनों जो है वो सरकारी के अलावा प्राइवेट जमीनों के ऊपर भी उस जेसीबी लेकर पहुंच गया और वहां भी जो है एक दिन के लिए तो जो है वो शोर पड़ा क्योंकि लोगों ने उसका हंगामा किया, लेकिन उस मसले को भी ठप कर दिया गया है। यहां जो दूसरे इनके मिनिस्टर रहे गणेश कोहली के बारे में कब से आ रहा है सरकारी जमीनों के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे, करोड़ों और अरबों रुपए के महल आपने उनके ऊपर बना दिए हैं, बड़े बड़े कमर्शियल अदारे बना दिए हैं, क्या इन बीजेपी वालों को पूछने वाला कोई नहीं है? मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इन बीजेपी के मंत्रियों को और उस भ्रष्ट विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।